हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल इंस्टाग्राम हिंदी पर। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आपका इंस्टाग्राम पे मेम्स पेज है तो आप किस तरीके से वीडियो वाला मेम्स बना सकते हो, क्योंकि रील्स पे अगर आपको डालना है तो वहां पर आपको वीडियो वाला मेम्स डालना पड़ता है और रील्स बहुत जरूरी है इंस्टाग्राम ग्रोथ के लिए। तो वीडियो वाला मेम्स कैसे बनाते हैं, तो यही इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मीम्स बनाने के लिए आपको दो ऐप की जरूरत पड़ेगी, एक पिक्सल लैब की और एक कैनवा की। आप प्ले स्टोर पर जाओगे, प्ले स्टोर पर सर्च मारोगे पिक्सल लैब। जैसे ही पिक्सल लैब सर्च मारोगे आपको इस तरह का ऐप दिखाई देगा। चलिए दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए, इस तरह का ऐप आपको दिखाई देगा, इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद कैनवा, दोनों ऐप बहुत फेमस है आप तो जानते हो, फिर भी मैं बता देता हूँ। दूसरा ऐप जो होगा वो कैनवा। कैनवा जैसे सर्च करोगे, ठीक है, यहाँ पर सर्च मारोगे तो यहाँ पर कैनवा भी आपको इस तरह का दिखाई देगा। दोनों ऐप को इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे जाके आपको सर्च मारना है, क्या नाम है, फनी मेम्स। जैसे आप फनी मेम्स मारोगे सर्च, ठीक है, फनी मेम्स। जैसे ही फनी मेम्स आप डालोगे, ठीक है, फनी मेम्स मेम्स डालोगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्लिप। फनी मेम्स जिस तरह डालोगे तो आपको ढेर सारे यहाँ पर मेम्स मिल जाएंगे, फनी मेम्स। तो आप जाकर इंस्टॉल कर सकते हो कोई भी मेम्स, यहाँ पर ढेर सारे मेम्स मिल जाएंगे, आप जाकर इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। ढेर सारे ऐप्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर ढेर सारे क्लिप मिल जाते हैं आपको फनी मेम्स। अब यहाँ पर अगर आप क्लिप भी जोड़ दोगे तो और अच्छा है, फनी मेम्स क्लिप लिखोगे तो और अच्छा है। तो और अच्छा, आपको यहाँ पर फनी मेम्स क्लिप यहाँ पर ढेर सारे मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो भी आपका फनी ऐप वाला जो भी आपका वीडियो है उसको देखना है, और उस वीडियो को देख के इमेजिन करना है कि जो भी मतलब वो फनी मेम्स क्लिप में जो भी है उस पर क्या सूट करता है। तो चलिए देखिए, मैंने एक डाउनलोड करके रखा है, आपको दिखाते हैं। चलिए मैं वो उस मेम को डाउनलोड करके दिखाता हूँ, वो मेम्स मैं दिखाता हूँ जो मैंने डाउनलोड करके रखा है, ठीक है, दिखाता हूँ उसको। तो ये देखिए, मैंने ये मेम्स डाउनलोड करके रखा है। देखिए इनका आप फेस देखिए, अब इनका फेस देख के आपको क्या लगता है इसमें क्या लिखना सूट करेगा। ऐसा चीज आपको लिखना है जो इनके वीडियो और इनके एक्सप्रेशन से वीडियो में जो दिख रहा है उससे मैच करे। तो इनको देख के मुझे एक चीज आ रहा है, तो वो चीज़ मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो अब मेम्स बनाने का चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पिक्सल लैब ऐप पे जाना होगा, पिक्सल लैब आपको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर कैंसिल पे क्लिक कर देना है, उसके ऊपर डिलीट का बटन दिख रहा है लेफ्ट साइड कॉर्नर पे, प्लस के नीचे ऊपर साइड, उस पर डिलीट पे क्लिक करके इसको ओके कर देंगे तो ये यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लेना है ऊपर जो राइट साइड देखिए कॉर्नर पर थ्री डॉट दिख रहा है उस पर टच करना है, फिर इमेज साइज पर जाना है, इमेज साइज कस्टम पर सेलेक्ट करना है, फिर YouTube थंबनेल, YouTube थंबनेल करके यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है आपको बता दें, आपको यहाँ पर देखिए जाना है नीचे, देखिए लेफ्ट साइड सेकंड नंबर पे नीचे तीन सर्कल दिख रहा है उसके बगल में ए बना है, ए पे जाना है, फिर यहाँ टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाना है। टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पर पेंसिल का निशान दिख रहा है उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर उस जो आपने मेम्स आपको जो भी आपने मेम्स क्लिप डाउनलोड किया उससे मिलता जुलता, उससे मतलब मेरा कनेक्ट होता हुआ इमेजिन करिए, अपना दिमाग लगाइए, मिलता जुलता कोई जोक लिखिए। तो मैं यहाँ पर मिलता जुलता कुछ लिखता हूँ, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ है तो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो जो मैंने मेम्स क्लिप डाउनलोड की तो उससे मिलता जुलता देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, जब आपकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ दिख जाए, तो ये देखिए उससे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, काफ़ी ज़्यादा तब ऐसा एक्सप्रेशन होता है। तो मैंने देखिए लिखा है, ठीक है, लिखने के बाद मिलता जुलता जैसे आप अपने फनी मेम्स क्लिप से मिलता जुलता लिख लेंगे जोक, तो उसको लिखने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे। ओके क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर ए बी फॉन्ट का आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा, ए बी फॉन्ट का ऑप्शन जैसे ही दिख रहा होगा उस पर आपको टच करना है। टच करने के बाद यहाँ पर आपका फेवरेट फॉन्ट जो भी आपका है उसको ले लीजिएगा, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये हिंदी के लिए सही फॉन्ट से ओके करूंगा। अब देखिए लिखने के बाद उसके देखिए बीच में दोनों सेंटेंस के बीच गैप ज्यादा है, दोनों गैप कम करना, तो लेफ्ट साइड स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर देखिए लाइन स्पेसिंग दिख रहा होगा, लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे, फिर स्पेसिंग को थोड़ा कम कर देंगे जो बीच में गैप है, ठीक है, इसको कम करेंगे जैसे जैसे वैसे ये कम हो जाएगा, तो इतना सही है। उसके बाद टिक के निशान पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, फिर राइट से स्क्रॉल करना है, आपको एल्गिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, ALIGN, एल्गिन पे क्लिक करना है, फिर बीच में ब्लू कलर का ऑप्शन दिख रहा है उस पर टच करना है, तो ये तो सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है, उसका टिक के निशान पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये बैकग्राउंड पे जाना है, बैकग्राउंड पे जाने के बाद आपको यहाँ पर चाहो तो बैकग्राउंड भी लगा सकते हो। बैकग्राउंड जाने के बाद यहाँ पर बैकग्राउंड पर आपको यहाँ बैकग्राउंड पे सेलेक्ट करना है, उसको इनेबल कर देना है, इनेबल करने के बाद इसको हम लोग येलो कलर कर देंगे, ठीक है, येलो कलर आपको जो फेवरेट है उसको कर देना है, ठीक है, येलो कलर करने के बाद देखिए येलो कर देंगे। उसके बाद येलो करने के बाद अब यहाँ पर देखिए ऊपर का जो ये बैकग्राउंड है थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो ऊपर का हम लोग थोड़ा सा, सॉरी ये साइड वाला है, साइड वाला है, साइड वाले को हम लोग देखिए पूरा ऐसे कर देंगे, ठीक है,
और उसका सेकंड नंबर वाला भी फुल कर देंगे। फुल करने के बाद फिर उसका थर्ड नंबर वाले को थोड़ा सा बड़ा करेंगे ताकि नीचे वाले से मैच कर जाए, ठीक है। इस तरह से करने के बाद टिक पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद स्लाइड से स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर, उसके बाद कलर कस्टम जाएंगे और इसको हम लोग ब्लैक कलर सेलेक्ट कर देंगे। ब्लैक कलर सेलेक्ट कर देंगे कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, राइट साइड स्क्रॉल करना है, साइज का ऑप्शन दिख रहा है उस पर जाके इसको थोड़ा बड़ा कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपको बड़ा कर लेना है, ठीक है। बड़ा हो गया, ये देखिए बड़ा करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, टिक के निशान पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको देखिए नीचे से राइट साइड पे सेकंड नंबर पे दो स्क्वायर बॉक्स दिख रहे होंगे, उस पर टच करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर पे ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पीछे का बैकग्राउंड हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए ऊपर लेफ्ट साइड कॉर्नर पे, लेफ्ट साइड ऊपर देखिए प्लस का निशान है, उसके सेकंड मेमोरी कार्ड का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। फिर दो ऑप्शन खुलेंगे, सेव एज अ प्रोजेक्ट एंड सेव एज अ इमेज। सेव एज अ इमेज हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग कस्टम दिख रहा होगा, कस्टम पे आप टच करेंगे। उसके बाद हम लोग अल्ट्रा सेलेक्ट करके ये ग्रीन कलर का सेव टू गैलरी दिख रहा है, गैलरी में सेव कर देंगे। तो ये हम लोग का गैलरी में सेव का एक ऐड चलेगा, ऐड चलने के बाद देखिए हम लोग का गैलरी में सेव हो चुका है। अब हम लोग को कहाँ जाना है, अब हम लोग को जाना है कैनवा पे, कैनवा ऐप हम लोग ओपन करेंगे, ठीक है। कैनवा ऐप ओपन करने के बाद अब आपको किस कहाँ कमेंट बनाना है, आपको नॉर्मल अगर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना है तो आप नॉर्मल इंस्टाग्राम का साइज लोगे, और आपको रील्स पर पोस्ट करना है तो आप रील्स का साइज लोगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको रील्स का बताता हूँ, देखिए इंस्टाग्राम पोस्ट साइज आपको दिख रहा है, अगर इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है तो इंस्टाग्राम पोस्ट पे सेलेक्ट करना, और मोबाइल वीडियो अगर इंस्टाग्राम रील्स पर अपलोड करना, नॉर्मल वीडियो पोस्ट करना इंस्टाग्राम पे तो इंस्टाग्राम पोस्ट वाला ऑप्शन खोलना, और अगर रील्स पर अपलोड करना है तो मोबाइल वीडियो वाला खोलना। तो मैं यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम पोस्ट वाला बनाना सिखाता हूँ, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पोस्ट हम लोग क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो कैसा ऑप्शन खुलेगा आप देखिए, ऐसा ऑप्शन खुलेगा। तो हम लोग यहाँ पर ब्लैंक वाला ऑप्शन दिख रहा है, क्रिएट ब्लैंक, उस पर टच करेंगे, उसके बाद इस तरह से ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है। देखिए ओपन हो रहा है और टाइम ले रहा है, नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ है। तो यहाँ पर देखिए ओपन हो चुका है, यहाँ पर देखिए प्लस का आइकन दिख रहा है ओपन, जैसे ही आप ओपन कर लोगे यहाँ पर आपको प्लस का आइकन दिखेगा। देखिए नीचे लेफ्ट साइड पर बैंगनी कलर का हम लोग टच करेंगे, आपको यहाँ पर गैलरी खुल जाएगा। फिर यहाँ से आपको वो वाला मेम्स ले लेना है जो भी हमने मेम्स डाउनलोड किया है, तो ऐड टू पेज पर क्लिक करना है। जैसे ऐड टू पेज पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए पेज पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये जो आपको देखिए गोल गोल साइड में व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, इसको पकड़ के हम लोग इसको नीचे की तरफ खींचेंगे, ठीक है। जैसे ही खींचेंगे तो यहाँ पर स्क्रीन पे सेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रीन पे टच कर देना, ऊपर आपको थोड़ी जगह छोड़ देनी है, ठीक है। किस लिए, जो आपने लिखा था जोक उसको लगाने के लिए। तो हम लोग फिर प्लस के आइकन पे जाएंगे, देखिए बैगनी कलर का नीचे लेफ्ट साइड पे दिख रहा है। जाने के बाद हम लोग उसको लेंगे जो हम लोगों ने बनाया था, इमेज पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पर पिक्सल लैब वाले फाइल पे जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने पिक्सल लैब से बनाया था। तो पिक्सल लैब वाले फाइल पे जैसे ही जाएंगे हम लोग को वो चीज़ यहाँ पर देखिए मिल जाएगा, ये देखिए ये पहले नंबर पे। उसके बाद हम लोग ऐड टू पेज पे क्लिक करेंगे, जैसे ऐड टू पेज पे क्लिक करेंगे ये देखिए ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा नीचे तरफ खींचेंगे ताकि ये इसके बराबर हो जाए, और थोड़ा सा इस तरीके से खींचेंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा बड़ा हो जाए, किसके हिसाब से एडजस्ट हो जाए। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा ऊपर से वो हो गया, ऊपर थोड़ा इसको खींचेंगे, खींचने के बाद इस तरीके से उंगली से एडजस्ट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा मेम्स तैयार हो गया है। अब इसको आपको हम प्ले करके दिखाते हैं, ये देखिए जब आपकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ दिख जाए तब ऐसा एक्सप्रेशन होता है। तो ये देखिए बिल्कुल सही वीडियो बनी है, एकदम मस्त देख सकते हैं आप। अब इसको आप लोग गैलरी में कैसे सेव करोगे, ठीक है। अब इसकी गैलरी सेव करने के लिए आपको ऊपर देखिए राइट साइड कॉर्नर पर एरो का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर टच करेंगे तो इस तरह से ऑप्शन खुल जाएगा। डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, फिर डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरीके से ये यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो जाएगा आपके गैलरी में। तो जैसे ही पूरा होगा वैसे आपके गैलरी में ये डाउनलोड हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि इंस्टाग्राम से रिलेटेड वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। देखिए दोस्तों यहाँ पर गैलरी में हमारे सेफ हो चुका है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया, स्क्रीन पे यूजर नेम दिख रहा है, फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले।